अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैन अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये एक टेलीविज़न है 14 इंच का है, तो ये पुराना मॉडल है, अभी भी कुछ लोगों के घरों में हैं जो कि बहुत सारे इसको देखते हैं। तो इसमें कुछ अजीब सा फॉल्ट है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें फॉल्ट है क्या। मैं इसको पावर देने लगा हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको पावर दे दिया, सेट ऑन भी होगा, ठीक है, ये इसका इंडिकेटर आप देख सकते हैं, ये अभी सेट हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये आप देख सकते हैं, तो इसमें ये लाइनें आप देख सकते हैं, ये लाइनें इसमें आ रही हैं। जब हम इसमें लगाएंगे केबल लगाएंगे तो पिक्चर भी नहीं देगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरह की ये लाइनें, ये कंडीशन है इसकी, ये देख सकते हैं किस तरह स्क्रीन ऊपर से नीचे इस तरह जाती है, ठीक है, ये फॉल्ट है इसमें। तो इसमें पिक्चर भी नहीं आ रही, इसमें कुछ भी नहीं, हाँ वो ऑडियो वीडियो इसमें ऐड करें या फिर केबल भी यूज़ करें तो इसमें कुछ भी नहीं जो रिस्पांस मिला। ये जो लाइनें हैं ये आप देख सकते हैं, ये पोजीशन है इसकी। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करके इसको देखते हैं कहाँ इसमें फॉल्ट कहाँ पर है और क्या है। तो जी, मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है, ये इसका बोर्ड लगा हुआ। हम इसके सबसे पहले तो हम इसके जैक उतारेंगे, इसके बोर्ड को चेक करेंगे। तो ये जो फॉल्ट होता है ये सप्लाई वीक होगी, कमज़ोर होती है तो फिर इस तरह की लहरें जो आती हैं, लाइनें का जो लाइन आ रही हैं उसका तो फॉल्ट कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो सप्लाई वीक होगी, कमज़ोर होगी, तो फिर इस तरह की लाइनें जो हैं ऊपर से नीचे, यानी कि सप्लाई कमज़ोर होने की ये निशानी है, ठीक है। तो बहरहाल चलो इसको देख लेते हैं, ओपन करने लगा हूँ मैं इसको, ये जैक मैंने उतार दिया, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं क्या हर इसमें कहाँ पे फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो ये फॉल्ट वैसे है पावर सप्लाई का फॉल्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉल्ट पावर सप्लाई का है और कहाँ पे है, ठीक है। तो ये बोर्ड, ठीक है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये फॉल्ट जो होता है ये पावर सप्लाई का फॉल्ट है, ठीक है। तो बहरहाल चलो इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है वाकई इसमें पावर का फॉल्ट है या कि फॉल्ट कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इसको पावर दे दिया, ये इसके सबसे पहले हम इसके ये कैपेसिटर के ऊपर इसके डीसी वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है, हम सबसे पहले कैपेसिटर के ऊपर इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो जब हम कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट चेक करेंगे तो वोल्ट तो ये 600 से भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने रखा हुआ है 600 पे, ठीक है, ये 600 के ऊपर अभी, तो 600 पे से भी ऊपर वोल्ट जो है वो हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी वोल्ट आउटपुट किसी और पे चेक कर लेते हैं, जैसा कि मसलन ये इसकी ग्राउंड है, तो यहाँ पे 110 फिर 96, यानी कि वोल्ट ज़्यादा होते हैं फिर कम हो जाते हैं, किसी भी जगह पे जब हम वोल्ट चेक करते हैं तो ज़्यादा और कम होते जाते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 26 से 11 पे वोल्ट आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी किसी हाँ वो किसी भी पॉइंट पे हम चेक करें वोल्ट। ये मैंने इसको ग्राउंड दे दी, अब मैं चेक करता हूँ ये चैनल के ऊपर, चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हैं वोल्ट जो है वो ज़्यादा और कम हो रहे हैं, ठीक है। हम किसी भी जगह पे जब हम वोल्ट चेक करते हैं या वर्टिकल एरिए में चेक करें तो यहाँ पे 27 वोल्ट, 23, 26, 22,
देख सकते हैं वोल्ट, यानी ऊपर नीचे जाते जाते हैं। तो इसके इसमें मैंने पहले आपको बताया ये फॉल है पावर सप्लाई का। तो जब हम एसी वोल्ट सबसे पहले चेक करते हैं, ये ठीक है, जैसा कि आपने देखा ये एसी वोल्ट का, ये एसी वोल्ट का पॉइंट है। तो एसी वोल्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं वोल्ट जो है वो ऊपर नीचे चले जाते हैं, ठीक है। हालांकि कम से कम एसी वोल्ट जो है वो 220 पूरे आने चाहिए, 220 के अलावा इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 220 से नीचे आते हैं, 48 तक आते हैं, ठीक है। 48 से फिर 220 पर जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 220 है, ठीक है, ये एसी वोल्ट का पॉइंट है जो कि एसी वोल्ट है। तो एसी वोल्ट जो है वो भी कम और ज़्यादा हो रहे हैं, कम और ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं ये फॉल्ट है इसमें। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये इसकी कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर चेक करें, ठीक है, ये इसकी कॉइल है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वोल्ट 23 पे आते हैं फिर वापस, यानी कि वोल्ट ऊपर और नीचे चले जाते हैं, ज़्यादा होते हैं फिर कम हो जाते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। हाँ वो एसी पे चेक करें, हाँ वो किसी डीसी के, किसी भी बोर्ड के किसी भी एरिया में हम जब जहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलते हैं वहाँ पर भी वोल्ट ज़्यादा होते हैं फिर कम हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं फिर कम हो जाते हैं। तो ये जो फॉल्ट है ये फॉल्ट होता है इसके, मैं आपको बता दूं ये फॉल्ट होता है इसके मेन कैपेसिटर का, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ये फॉल्ट है पावर सप्लाई का, तो पावर सप्लाई में इसका मेन कैपेसिटर है वो ख़राब है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। यानी कि वोल्ट ज़्यादा होते हैं, कभी कम हो जाते हैं, फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, ये फॉल्ट पावर सप्लाई के मेन कैपेसिटर, ये जो मेन कैपेसिटर है इसका फॉल्ट है। तो चलो मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ, हम इसको ये मेन कैपेसिटर है, ये 150 और 400 वोल्ट का, ठीक है, 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जब ये ख़राब होगा तो इस तरह की पोजीशन होगी सेट, इस तरह का फॉल्ट सेट में आएगा, ठीक है। तो चलो कैपेसिटर इसका चेंज कर लेते हैं, तो जी अब ये कैपेसिटर है 150 और ये भी है 150, ठीक है, 150 और 400 वोल्ट, ठीक है, सेम कैपेसिटर है। तो इसको हम इसमें अब ऐड करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये फॉल्ट होता है कैपेसिटर मेन में सप्लाई का, ठीक है, जब कम सप्लाई कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो इस तरह की कंडीशन होती है जो कि लहरें आती हैं सेट के ऊपर, ठीक है। ये मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये जो पुराने टेक्नीशियन हैं, ठीक है, जी ये कैपेसिटर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको मैं पावर देने लगा हूँ, मैंने कैपेसिटर ये देख सकते हैं ये चेंज कर दिया, ये अब हम इसको पावर देंगे, पावर दे के चेक कर लेते हैं वोल्टेज कहाँ पे गया, क्या आया, अभी भी वही कंडीशन है या कि कुछ इसमें बदलाव आ गया, ठीक है। तो ये आपके सामने ये कैपेसिटर मैंने रिमूव किया, तो सबसे पहले हम इसके एसी वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है, ये एसी वोल्ट के ऊपर है, मैं इसको पावर देने लगा हूँ,
ये मैंने इसको पावर दे दिया, सेट हमारा ऑन हो गया। तो सबसे पहले हम इसके एसी वोल्ट चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 207 260, ये यानी कि 215-16 के वोल्ट आ रहे हैं, अभी कम और ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम इसके डीसी वोल्ट चेक करेंगे, ये मैंने 600 के ऊपर रखा, तो ये इसके डीसी वोल्ट है, ये एक मेन कैपेसिटर है, ये देख सकते हैं 200 78 76, ठीक है, 285-86 के करीब वोल्ट मिल रहे हैं। अब हम अगर किसी भी एरिया में वोल्ट चेक करेंगे तो हमें प्रॉपरली पूरे वोल्ट मिलेंगे, कोई भी वोल्ट कम और ज़्यादा नहीं होगा, जितने वोल्ट हमें चाहिए वो बिल्कुल 110 मिल रहे हैं, ठीक है, ये 110 ओके। पहले होता था कि जब वोल्ट किसी भी पॉइंट पे ऊपर चेक करते थे, वोल्ट ज़्यादा और कम होते थे, ज़्यादा और कम हो रहे थे, ठीक है, ये इसमें फॉल्ट। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल वोल्ट जो है वो किसी भी जगह पर हम चेक करें तो वोल्ट हमें पूरे के पूरे मिल रहे हैं, ठीक है, कोई वोल्ट हमें कम और ज़्यादा नहीं मिल रहा, ठीक है, ये 26 ओके। किसी भी पॉइंट के ऊपर हम चेक करेंगे तो हमें वोल्ट पूरे मिल रहे हैं, ठीक है। ये वर्टिकल एरिया में 27 ओके। तो अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं बोर्ड को, ये मेन कैपेसिटर खराब है, इसको ये इसका जैक लगा दिया 220 का, ये इसका कीबोर्ड आईआर का जैक ओके, जो मेन आईआर वगैरह, ठीक है। तो अब हम इसको पावर देंगे, पावर देकर चेक कर लेते हैं, तो जी मैंने ये पावर दे दी इसको दोबारा से, जी देख सकते हैं सेट इस वक्त ओके, ठीक है, अभी भी मैं अभी इसको केबल देने लगा हूँ, तो जी आप देख सकते हैं बिल्कुल पिक्चर भी इस वक्त ओके, ठीक है, तो सेट इस वक्त ओके हो चुका है, ठीक है, ठीक है, सेट इस वक्त ओके। तो ये जो फॉल्ट था, ये पावर सप्लाई का फॉल्ट था, पावर सप्लाई में मेन कैपेसिटर जो है वो ख़राब था, जिसकी वजह से ये फॉल्ट देखने को मिल रहा था। तो अब आप देख सकते हैं सेट इस वक्त बिल्कुल ओके।